मेरा सच्चा सौदा के ढोंगी सौदागर के बाद एक और डेरा बाबा का हुआ भंडाफोड़। ये बाबा भूतों के नाम पर डराता है। ये बाबा भक्तों के सामने जादू दिखाता है। इस बाबा के दरबार में लगता है लोगों का तांता। ये बाबा अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आपने एक से बढ़कर एक बाबा देखे होंगे, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपकी आंखें खोल देगी। आइए आपको सुनाते हैं कहानी एक ऐसे फ्रॉड बाबा की जो कि करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया। होल्डिंग को देखिए, इसमें एक तरफ महा फ्रॉड राजेश कैंडी की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ लिखा है सोचो जरा साथ क्या लेकर जाओगे। यही बाबा करीब 500 करोड़ की संपत्ति का गबन कर चुका है। ये बाबा भूत प्रेत के नाम पर डराकर अपने गोरख धंधे को धड़ल्ले से चलाता है। साल में करोड़ों की संपत्ति खड़ा करने वाला ये बाबा अब अंडरग्राउंड हो चुका है। आज हम इस ढोंगी और फरेबी बाबा के काले धंधे से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आप बाबा का ठिकाना यानी कि इस बाबा के आश्रम को देखिए। अंधविश्वास की इस तस्वीर को देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस तथाकथित आश्रम में सब कुछ मायावी, भूतिया और डरावना दिखाई देता है। इस तिलस्मी नगरी को कुरुक्षेत्र के शरीफगंज गांव में कैंडी बाबा ने अपने ही एक अनुयायी की जमीन को हड़प कर बनवाया है। बाबा के इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ तब हुआ जब धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के महाठग बाबा राजेश कैंडी की हाथ की सफाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। तब जांच पड़ताल में इस बाबा के ठग का खुलासा हुआ और ये बाबा पुलिस की पकड़ से भाग निकला। कीर्तन में ढोलकी बजाने वाला ये बाबा भूतों को भगाने का दावा करने लगा और इसकी पैठ लोगों के दिमाग पर इस कदर छा गई कि लोग इससे जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आपके जलवे दिखाने वाला बाबा, भूतों को भगाने वाला बाबा खुद करोड़ों रुपए लेकर भूतों की तरह गायब हो गया, किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। इस बाबा ने लोगों से भूत प्रेत भगाने के नाम पर लोगों का भरोसा जीता। नेपाल से सीखा काला जादू दिखाकर लोगों के दिल में जगह बनाई। जादू से अपने भक्तों को कई बार पैसे दोगुने करके देकर उनका विश्वास जीतकर अपनी ठगी को अंजाम दिया। कैथल के एक व्यापारी से सस्ते सोने के नाम पर 90 लाख की लूट, विदेश भेजने के नाम पर 47 लाख की लूट, सोने की ईंट के नाम पर एक शख्स से 64 लाख की लूट, अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ रुपए की लूट। राजेश कैंडी नाम का ये महाठग 2007 से पहले अंबाला में आश्रम चलाता था,
इसके बाद करीब 12 साल से कुरुक्षेत्र में बाबा वटगाम के डेरे के नाम से आश्रम चला रहा था। इस बाबा ने इसी दौरान 3 से 4 साल तक नेपाल में रहकर काला जादू सीखकर तंत्र मंत्र की विद्या की शुरुआत की। इसी ठगी के व्यापार से करोड़ों रुपए बना लिए। फिलहाल पुलिस इस महाठग बाबा की तलाश में जुटी हुई है।